अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं राबिया स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल राबिया शेख ब्लॉग्स में। आज हम बनाएंगे ज़रदा रेसिपी स्वीट राइस। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू, बादाम, नारियल, थोड़ी सी किशमिश, 4 से 5 इलायची, 4 से 5 लौंग। हमने यहाँ पे 1.5 गिलास बासमती राइस को बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा फूड कलर डाल के 80% बॉईल करना है आपको। और एक हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही हमने जो इलायची और लौंग ले लिया था उसे ऐड कर देंगे। फिर इसे थोड़ा हम चटकने देंगे। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स ले लिया था वो सब हम ऐड कर देंगे इसमें घी में। पहले हम काजू, बादाम और नारियल ऐड करेंगे, फिर इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम जो किशमिश लिए थे उसे ऐड कर देंगे। फिर ये सब हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम थोड़ा सा निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे हमने 1/2 ग्लास दूध लिया है, इसे हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स में। फिर इसे अच्छे से चला लेंगे। और तो हमने यहाँ पे 300 ग्राम राइस को बॉईल किया था, तो इसमें हम 200 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध को थोड़ा बॉईल होने देंगे। बॉईल होते ही हमने जो राइस ले लिया था बॉईल करके उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मुझे थोड़ा कलर कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से थोड़ा लिक्विड वाला कलर ऐड कर दिया था। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ऊपर से ढक्कन ढक देंगे और फ्लेम हमारा लो रहेगा। इसे 8 से 10 मिनट तक हम दम पे रख देंगे। 8 से 10 मिनट हो चुका है तो हम इसे चेक करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें अच्छे से भाप भी आ चुका है। और जो राइस 80% कुक हुआ था वो अब पूरा 20% भी कुक हो चुका है अच्छे से। हमने भाप दिया है 8 से 10 मिनट तक, उसमें ही वो पूरा कुक हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले ज़रदा राइस बन के रेडी है, स्वीट राइस जो आप बोल। तो हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें थोड़ा डिश आउट कर लेंगे। और ऊपर से हमने जो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखे थे गार्निशिंग के लिए उसे ऊपर से ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, उससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।